गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास 10th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 3 जिसकी डेट 13 जुलाई 2021 रहेगी और आज हम इसमें अपना पंचुएशन मार्क सीखेंगे। तो हाय बिल्लू, व्हाट आर यू डूइंग। हाय बिल्लू, तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो। तो बिल्लू क्या आंसर देता है, पिंकी आई एम राइटिंग ए स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। ए यंग सेगल इज अफ्रेड टू फ्लाई। हाउ डज ही कंक्वर हिज फियर इवन व्हेन हिज ब्रदर एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन रैन टू ब्लिंक फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे गगगगगा ही क्राइड। मतलब उसने अपनी बिल्लू ने क्या कहा है, पिल्लू को जवाब दिया है पिंकी को, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया कि उसने क्या बोला। क्यों समझ में नहीं आया, क्योंकि उसने कहीं पंचुएशन ही नहीं दिया, कहीं पोज ही नहीं दिया अपनी बात को कहने में। कंटिन्यूसली एक साथ उसने अपनी बात बोल दी, पिंकी को समझ में ही नहीं आया कि कहाँ पर पोज था, कहाँ पर वो क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, कुछ उसको समझ में नहीं आया। तो पिंकी क्या कहती है, वेट रुको, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वॉट यू आर राइटिंग। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम क्या लिख रहे हो। वाई डोंट यू ट्राई राइटिंग द सेम थिंग बाई पुटिंग अप्रोप्रिएट पंचुएशन मार्क। तुम क्यों नहीं, जब लिख रहे हो तो क्यों तुम अप्रोप्रिएट पंचुएशन मार्क नहीं लगा रहे हो। तुम कोशिश करो पंचुएशन मार्क लगाने की। तो बिल्लू क्या कह रहा है, पंचुएशन मार्क वॉट आर दे, पंचुएशन मार्क क्या होते हैं वो। तो आगे क्या कह रही है पिंकी, द सिस्टम ऑफ यूजिंग सर्टेन मार्क्स इन रिटन लैंग्वेज टू शो पोजेस। वह सिस्टम होता है पंचुएशन मार्क जब हम किसी लैंग्वेज को बोलते समय, शो करते समय पोज देते हैं। पोज का मतलब थोड़ा रुकते हैं। एंड दिस, अगर मैं बोल दूँ मैं खाना बना रही हूँ, मैं कल वहाँ जाऊँगी, मैं ये जाऊँगी, थोड़ा रुकेंगे तो मैं खाना बना रही हूँ, फिर मैं कल वहाँ जाऊँगी, थोड़ा रुकते हैं ना, तब होता है ये पोज। इससे हमारी स्पीकिंग पर भी इफेक्ट पड़ता है। एंड टू सेपरेट वर्ड्स फ्रेजेस क्लोज सेंटेंसेस इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई द इंटेंटेड मीनिंग इज कॉल्ड पंचुएशन। जब भी हम किसी अलग वर्ड का, फ्रेज का, क्लोज का, सेंटेंस का यूज़ करते हैं तो हमें उसे क्लियर करने के लिए, उसे क्लैरिफाई करने के लिए, उसका मीनिंग क्लैरिफाई करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसे पंचुएशन कहते हैं। प्लीज सी द रेफरेंस चार्ट। चलिए हम इस चार्ट के माध्यम से जानते हैं कि पंचुएशन क्या है, कौन कौन सा पंचुएशन क्या कहलाता है और उसका क्या काम होता है। सबसे पहले तो बच्चों आपको पता ही है कि ये होता है हमारा फुल स्टॉप, बिंदी एक, है ना। और ये कब लगता है, ए पीरियड अपीयर्स इमिडिएटली आफ्टर द लास्ट लेटर ऑफ ए सेंटेंस। ये तब लगता है जब हम बिल्कुल सेंटेंस का लास्ट लेटर हो जाता है ना, हमारा सेंटेंस खत्म हो जाता है, तब हम फुल स्टॉप लगाते हैं। कोमा, कोमा क्या होता है, कोमा होता है सेपरेट्स ए सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट सेंटेंसेज नाउन एडजेक्टिव्स वर्ब्स ऑफ फ्रेजेस, जो हमें दूसरे से अलग करता है। जैसे मैं कहूँ कि सी इज वर्किंग ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, तो हम वर्किंग के बाद, हार्ड वर्किंग के बाद जितनी भी हमें उसकी क्वालिटी बतानी है, मैं उसके बाद कोमा लगाऊंगी और सबसे लास्ट वाली क्वालिटी के से पहले मैं एंड लगा दूंगी, है ना। तो ये हमारी सारी कोमे से ही आइडेंटिफाई हो जाएंगी उसकी क्वालिटी। एक्सक्लेमेशन पॉइंट होता है बच्चों ये वाला, ठीक है। जब हम अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को दिखाते हैं, एक्साइटिंग गुस्से को दिखाते हैं, खुशी को दिखाते हैं, जोए को दिखाते हैं, एंगर को दिखाते हैं, कंटेम्प्ट को दिखाते हैं, किसी घृणा को दिखाते हैं, तो हम एक्सक्लेमेटरी मार्क दे लगाते हैं। आपने देखा होगा ना, कहीं पर अलास लिखा होता है ऐसे फिर आता है, कहीं पर लिखा होता है हुर्रे, है ना, और फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। तो ये दिखाता है हमारी एक्सेस फीलिंग को दिखाता है, एक्सट्रीम फीलिंग को दिखाता है। कोटेशन मार्क, कोटेशन मार्क ये होता है बच्चों ये वाला, ठीक है। इसको हम ऐसे बनाते हैं, इसको ऐसे 69 से आप लोग इसको पहचानना। कोटेशन मार्क आर यूज्ड फॉर इंक्लूजिंग डायरेक्ट कोटेशंस ऑफ राइटिंग और स्पोकन वर्ड्स ऑफ अदर्स और डायलॉग सेड बाय करेक्टर्स इन फिक्शंस। जब हम किसी डायलॉग को, किसी जैसे कुछ बोला जाता है ना, हम कुछ बोल रहे हैं, हमें कोई डायलॉग बोल रहे हैं या कोई भी कुछ बोल रहा है, तो हम उसकी जो सेंटेंस को इसमें रख देते हैं कोटेशन मार्क में, ठीक है। क्वेश्चन मार्क आपको पता ही है, जब हम कोई क्वेश्चन पुट करते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। सेमी कोलन होता है बच्चों ये, एक बिंदी और नीचे कोमा, उससे क्या होता है, सेपरेट सेंटेंसेस दैट आर क्लोजली रिलेटेड बट ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट, ठीक है। क्लोजली रिलेटेड होता है लेकिन वो स्वतंत्र होता है ग्रामेटिकली रूप से, तब हम सेमी कोलम का यूज़ करते हैं। इसी तरह से एक कोलम होता है, ये भी हम क्या करते हैं, जैसे हमें किसी को सूची बतानी है, जैसे हम कहें कि हम नाउन की डेफिनेशन देनी है, तो हम नाउन के बाद ऐसे लगाते हैं, है ना, ये हमारा क्या होता है, कोलन होता है। जैसे हम हिंदी में, चलो हिंदी को छोड़ो, हम इंग्लिश की ही बात करते हैं, हमें इंग्लिश में कुछ भी क्लियर करना है, वर्ब हमें क्लियर करनी है, तो हम ऐसे बताएंगे डेफिनेशन जब हमें किसी चीज़ की देनी होती है, तो वो कोलन होता है। अपोस्ट्रोफी ये होता है बच्चों, जब हम
ऊपर की तरफ लगाते हैं. एन अपोस्ट्रोफी इंडिकेट्स पोजिशंस एंड द एक्सक्लूजन्स ऑफ लेटर्स इन कंट्राडिक्शंस. ठीक है, ये क्या दिखाता है, पोजीशन को दिखाता है. लेकिन ये अपोस्ट्रोफी देखो, हम जब लगाते हैं ना, जैसे मैंने बोला स्टूडेंट्स, अपोस्ट्रोफी एस, स्टूडेंट्स रैंक, तो उसका मतलब होता है का, स्टूडेंट्स की रैंक, है ना. और ये ज़्यादातर बच्चों लिविंग बींग पे ही लगती है हमारी अपोस्ट्रोफी. चलिए अब कुछ छोटा सा एक हमारा पैसेज कह लो, या फिर हम उसको सेंटेंस कह लेते हैं, उसको हम ठीक करेंगे किससे, पंक्चुएशन लगाकर. चलिए अपनी एक्सरसाइज ही स्टार्ट कर लेते हैं हम. ये मैं इसको बता देती हूँ कि आप यहाँ पर पंक्चुएशन कैसे लिख करेंगे. आप इसको अपनी कॉपी में ऐसे उतारना, और फिर जहाँ पर हमें पंक्चुएशन दिखाना है आप ब्लैक पेन का यूज़ कर लेना, और फिर ब्लैक पेन से आप पंक्चुएशन लगा देना. तो वो अलग से हमारा क्या हो जाएगा, अलग से हमारी आइडेंटिफाई हो जाएगी कि हमने पंक्चुएशन कहाँ पर कौन सा पंक्चुएशन लगाया है. आप दो पेन का यूज़ कर लेना, ठीक है. करेक्ट द स्टोरी गिवन बिलो बाई एडिंग अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन यूजिंग द रेफरेंस चार्ट्स गिवन बिलो. मॉरिस, सबसे पहले तो बच्चों आपको पता ही है किसी भी नाम का अक्षर पहला कैपिटल होता है. मॉरिस द मार्टियन, ये भी आप बड़ा ही बनाना, एम, वॉज फ्लाइंग अराउंड द सोलर सिस्टम. ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, वन डे, वन डे के बाद बच्चों आप लोग कोमा लगा देना. व्हेन ही सा ए स्ट्रेंज लाइट इन फ्रंट ऑफ हिम, जब उसे एक अपने सामने की स्ट्रेंज लाइट दिखी, तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा. यहाँ पर क्या आएगा बच्चों आपका, फुल स्टॉप, और यहाँ पर कॉम आ जाएगा. व्हाट इज दैट ही थॉट, उसने क्या पूछा, व्हाट इज दैट, ये क्या है, तो क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पर व्हाट इज दैट के बाद. ठीक है, ही थॉट टू हिमसेल्फ, फुल यहाँ पर फुल स्टॉप आ जाएगा. मॉरिस का एम कैपिटल बना देना. वॉज स्केयर्ड, वह मॉरिस क्या हो गया था, डर गया था. बट ही फ्लू ए लिटिल बिट क्लोजर सो दैट ही कुड सी इट बेटर. बेटर के बाद क्या लगाओगे बच्चों आप, यहाँ पर हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, फुल स्टॉप लगा देना. हेलो का एच बड़ा बन जाएगा, हेलो. ठीक है, और हेलो को हम क्या करेंगे बच्चों, अपना कोटेशन मार्क में रखेंगे, और इसके बाद कोमा लगा देंगे. हेलो ही कॉल्ड आउट, उसने क्या कहा, वह चिल्लाया. ही कॉल्ड आउट के बाद फुल स्टॉप लगा देना. उसके बाद देयर का टी कैपिटल बन जाएगा. वॉज नो रिप्लाई, कोई भी रिप्लाई नहीं आया, फुल स्टॉप. सडनली का एस बड़ा बन जाएगा. और एक क्रिएचर अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ द लाइट, लाइट के बाद फुल स्टॉप लगा देना. ठीक है, फिर हम बू को किस में रखेंगे बताइए बच्चों. सडनली ए क्रिएचर अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ द लाइट, फिर हम बू को बी कैपिटल बना देंगे, और इसको इन्वर्टेड कॉमास में रखेंगे. ठीक है, और कोमा लगा देंगे. इट शाउटेड, उसके बाद बच्चों इट शाउटेड के बाद हम अपना क्या करेंगे, इट शाउटेड पुअर मॉरिस. मॉरिस का एम कैपिटल बना देंगे. वॉज रियली स्केयर्ड, स्केयर्ड के बाद कुछ लगाने की जरूरत नहीं, एंड लगा हुआ है. एंड फ्लू ऑफ टू हिज होम एंड हिड अंडर हिज बेड के बाद फुल स्टॉप. बस बच्चों ये काम आपको करना है, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी. देखिए जहाँ पर ये मॉरिस मार्टिन आए हैं, इनके तो आप बू का कैपिटल अक्षर बनाओगे. हेलो में जब भी फुल स्टॉप के बाद हमारा सेंटेंस शुरू होगा, वो फुल किससे होगा, वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा, ध्यान रखना. जैसे कि हिमसेल्फ आया है, हिमसेल्फ के बाद हमें मॉरिस लिखना है, तो हम यहाँ एम बड़ा बनाएंगे. ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया है बैटर के बाद, तो एच बड़ा बनाएंगे. ठीक है, इसी तरह से हमने नो रिप्लाई के बाद फुल स्टॉप लगाया, तो एस बड़ा बना देंगे, और बी का बी बड़ा बनाएंगे. तो बच्चों इस तरह से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना. थैंक यू बच्चों.